की गई है। पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है, वोटों की गिनती का अमल शुरू हो रहा है। ये है मनाजिर आपको दिखा रहे हैं एन ए 239 के। अब फैसलाबाद का हलका बड़ा आम हलका है नाज़रीन, एन 108 जहाँ पर जे तनवीर मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानते हैं। जे तनवीर, एन 108 बड़ा आम मुकाबला इमरान खान वर्सेस आबिद शेर अली, पोलिंग का वक्त ख़त्म है, वोटों की गिनती का अमल शुरू होने लगा है, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जोर लगाया लेकिन हुआ यह कि बल्ला इतना खूब चला कि कहने की बात है कि आज हर पोलिंग स्टेशन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन इस तरह से मौजूद से थे जैसे शहद पर छत्ते पर शहद की मक्खियां होती हैं। और जिस पोलिंग स्टेशन पर भी हम गए वहां पर पीटीआई दिखी है, और यह कहने की बात नहीं है, ये आज हुआ है। और जैसे ही रिजल्ट आएगा उम्मीद ये की जा रही है कि आज तो बिल्कुल 13 की 13 जो ये है यहाँ पर जो हमारी सियासी जमातें हैं शायद सफाई हस्ती से ही मिट जाए। मैं 108 के हवाले से बात कर रहा हूं जो यहां पर आज हुआ है, क्योंकि जहां पर भी गए हैं वहां पर हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिखी है। आज वो लोग जिन्होंने चार पाइयां कुर्सियां बिछा रखी थी पीडीएम के नाम पर, वो तकरीबन अब तक उठा चुके हैं और ले गए हैं, गिनती होनी है लेकिन नविश्ता दीवार जो है वो पढ़ा जा चुका है। कहा यह जा सकता है कि आज इमरान खान का बल्ला इस खूबसूरत अंदाज में चला है कि बच्चे बूढ़े माजूर वो तमाम अफराद जो वोटर थे और दिल की आवाज सुनकर आए थे, उन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भरपूर दास में लबैक कहा। और यहां पर मौजूद जो 12 कैंडिडेट्स थे उनमें सिर्फ आज एक ही नाम गूंजता रहा, इमरान खान। अब उस पल्ले का कोई कैंडिडेट यहां पर मौजूद नहीं था जिसके हवाले से ये कहा जा सके कि उसका नाम इमरान के मुकाबले पर लिया जाता। ताहम ये मैं जिस हल्के जिस जगह पर मौजूद हूं, ये राणा सनाउल्ला के डेरे से मैज ये कह लें कि 1 किलोमीटर के फासले पर यह कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये जो है ये पोलिंग स्टेशन है। और यहां पर यह कहा जा सकता है कि यहां पर भी हुक आलम रहा और यहां पर भी बल्ला चलता रहा, और बल्ले ने शेर समेत दीगर जो निशानात थे उन पर इस किस्म के ठप्पे लगाए कि वो जरबे जो हैं जनरल इलेक्शन तक याद रहेंगी। ताहम अब जो है गिनती का अमल कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा, सीलें लगा दी गई हैं और यहां पर से जो है वो पोलिंग का अमल जो है वो तकरीबन ये बताएं कैसा टर्नआउट देखा आपने आज फैसलाबाद के शहरी, कितने बाहर निकले, बड़े जबरदस्त 4 शहरी हैं यहाँ के, कितना बाहर निकले, टर्नआउट कैसा रहा सुबह से लेकर शाम तक? जी बिल्कुल, आज वोटर इतना ज़्यादा था कि मैं कहूँगा कि पीडीएम के कैंडिडेट नहीं निकले, अलबत्ता पीटीआई और समेत जो वोटर था जो बाशऊर वोटर है बड़ी तादाद में हमने देखा। और तमाम जो पोलिंग स्टेशंस थे वहाँ पर पुरमन अंदाज में पोलिंग हुई, ख़वातीन ने, माजूरों ने और इसके अलावा बड़े बूढ़ों ने, सब ने अपना वोट कास्ट कर कहा जा सकता है कि तारीखी जो है इसमें से जो वोटिंग है वो हुई है इस ज़िमनी इलेक्शन में, जबकि ज़िमनी इलेक्शन में बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता, पर इस ज़िमनी इलेक्शन के अंदर अजीब व गरीब मनाजर देखने को मिले, लोग जोक दर जोक पहुंचे, बड़ी तादाद में वोट डाले गए। या मेरे पीछे जो है पोलिंग का अमला मौजूद है, बड़ी मेहनत से जाफिशानी से अपना काम अंजाम दिया, पुलिस के अहलकारों ने बड़ी जबरदस्त ड्यूटी दी, और उसके अलावा आज जो पोलिंग का अमला था उन्होंने पूरी तंदही के साथ जो था ठीक है। 108 यहां पर मौजूद है।